हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य और मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जिससे आप लोगों को नीट के एग्जाम के बाद आपको कॉलेज चूज करने में बिल्कुल आसानी हो, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस के बारे में आपको विशेषताएँ नहीं पता है। आप जब कॉलेज जाते हो तो आपको पता चलता है कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए बट मैं गलत कॉलेज में आ गया, तो ये आपको हेल्पफुल होगा कॉलेज चूज करने के लिए। तो इस कड़ी में मैं आपको बहराइच मेडिकल कॉलेज के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों बेटर है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहराइच मेडिकल कॉलेज में एज अ JR मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। मैं आपको आज बहराइच मेडिकल कॉलेज के बारे में बताऊंगा। हमारा पहला वीडियो पड़ चुका है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में, ये हमारा होगा बहराइच मेडिकल कॉलेज के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको बेस्ट रहेगा। तो चलते हम लोग आपको कॉलेज की विशेषताएं बताते हैं। ये बहराइच मेडिकल कॉलेज शहर के जस्ट बीचों बीच है, मीन्स यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएँ सबसे बेटर है। जैसा कि आप इस मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो ये हमारा मेडिकल कॉलेज शहर से मीन्स बस अड्डे से केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप मेडिकल कॉलेज का ये देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज का मेन गेट है। इस कॉलेज का नाम है महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज चिकित्सा महाविद्यालय और महर्षि वाल्मीकि चिकित्सालय। इस कॉलेज का ये ओवरव्यू है और आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कॉलेज के मेन गेट से ये बसें या गाड़ियाँ चलती रहती हैं। बस अड्डे से केवल ये 500 मीटर की दूरी पर है और लखनऊ से आने वाली बस केवल 500 मीटर जाती है दूरी पर है बस अड्डा। जबकि आपको अगर पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस रोड से ये गोंडा एंड ये गोरखपुर, मतलब जो भी पूरी उत्तर प्रदेश है वहाँ से आने वाले सीधे यहाँ गेट पर आप लोग उतर सकते हो और सीधे यहाँ पर कॉलेज के अंदर आ सकते हो, तो आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बेस्ट है। और ये मेडिकल कॉलेज के दो पार्ट हैं, एक हो जाता है अपना जहाँ पर बच्चों का पढ़ाई की जाती है और दूसरा पार्ट इसका है जहाँ पर चिकित्सा या पेशेंट का ट्रीट किया जाता है, तो ये अपना प्रशासनिक पार्ट है। और इसका जो कॉलेज का जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो कॉलेज से 500 मीटर दूरी पर अवेलेबल है। तो आज हम बताएंगे अभी अपने कॉलेज के बारे में यहाँ पर। और यहाँ गेट पर हमेशा 24 घंटे गार्ड की सुविधा रहती है, जिससे कि बच्चों को सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल सके और पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्ड वगैरह हमेशा लगे रहते हैं, आप लोगों को सुरक्षा मिल सके सारे बच्चों को। और आप देख सकते हो ये कॉलेज का मेन गेट है, यहाँ पर ओवरव्यू है, यहाँ से आप इंटर करते हो तो दाहिना साइड हो जाता है ये हमारा, और ये बाएं साइड का ये मेन बिल्डिंग इसकी हो जाती है। यहाँ प्रशासनिक भवन है, यहाँ पर प्रधानाचार्य कार्यालय है। बाकी इस बिल्डिंग में आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी हुई है। अदर किसी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो इतना बढ़िया कोई भी मेडिकल कॉलेज जो नए में है वो नहीं बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलेज में मैं आपको कॉलेज का ये जो जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो पार्ट दिखा रहा हूँ। क्लासरूम्स वगैरह, ये हमारी क्लासरूम्स की बिल्डिंग है, यहाँ पर सारे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे। अभी तो केवल यहाँ पर केवल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर केवल दो ही बैच शुरू हुआ है, मीन्स 19 और 20 दो बैचेज यहाँ पर भी आए हुए हैं। तो ये हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर अब हम लोग कॉलेज से सीधे अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, आपका फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यहाँ पर आकर यहाँ आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चलती हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और इस तरफ बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस रहती हैं। और इसके जो सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर है वहाँ पर थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर की क्लासेस की सारी व्यवस्था है। आप देख सकते हो ये टोटल 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, 4 से 5 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, और इसमें कंटिन्यू देख सकते हैं आप। और आप बैक देखिए, यहाँ से ये रहा हमारा मेन गेट। और कॉलेज में सुरक्षा का सबसे बेस्ट माहौल है, यहाँ पर गार्ड्स 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी पर रहते हैं और नाइट में भी अपना ड्यूटी देते रहते हैं। ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब जा रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए। अब कॉलेज के अंदर आते हैं हम यहाँ पर। अब इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे बढ़िया सा इसका डिजाइनिंग बहुत बढ़िया है यहाँ पर।
जब हम आगे बढ़ते हैं तो और एक बढ़िया से यहाँ पर कॉलेज कैंपस में एक लॉन है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह शाम दोनों टाइम जिसको मॉर्निंग वॉक करना होता है दोनों टाइम अपना मॉर्निंग वॉक कर सकता है अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऑडिटोरियम, आप ये देख सकते हो सामने जो बहुत बड़ा बना हुआ है, ये हमारा इस कॉलेज का ऑडिटोरियम है और यहाँ पर जो भी फंक्शन होते हैं यहीं पर होते हैं कॉलेज के, जैसे कि बच्चों की फ्रेशर पार्टी हो गया या एनुअल फंक्शन जो भी हो जाते हैं, जो भी होता है यहाँ पर होता है। बाकी यहाँ पर सारे बच्चे अपना मिल करके दुर्गा पूजा या गणेश पूजा यहाँ पर बच्चे मिल करके करते हैं। ये ऑडिटोरियम है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया बना हुआ है। ये कॉलेज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और सुविधा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बेस्ट है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कॉलेज के ऑडिटोरियम का ये गेट है, यहाँ से इंटर किया जाता है, आप देख सकते हो। और कॉलेज के बगल बगल में आप देख सकते हो जो इसकी बाउंड्री वॉल्स हैं, आप देख सकते हो कितने बढ़िया हिसाब का सुंदरता युक्त सजावट युक्त पौधे लगाए गए हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड भी है, बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जिसको जो भी पसंद होता है अपना वो। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बढ़िया इसका बना हुआ है कॉलेज हमारा। नाइट में पूरे सारे यहाँ बल्ब वगैरह सब पूरी लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है कि नाइट में भी आराम से आप कैंपस में अपना खाने के बाद टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे बच्चों आपके लिए रहने के लिए जो हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल्स। अभी सुबह सुबह का मौसम है तो आप देख सकते हो सूर्य की किरणें कितनी बढ़िया आ रही हैं। ये आप लोगों का आप देख सकते हो, ये आप लोगों का जो आप देख रहे हो ये बॉयज हॉस्टल है। अभी मैं आपको इसका पूरा छत पर से एरियल व्यू मैं आपको शो करूंगा। और सामने देख सकते हो ये इंटर्न हॉस्टल, जब आप फाइनल ईयर पास करके जाओगे इंटर्न में तो आपको इस बिल्डिंग में आपको मिलेगा रहने को, आप यहाँ देख सकते हो। और इतना अच्छा बॉयज हॉस्टल या हॉस्टल की इतनी अच्छी व्यवस्था इतना बढ़िया है आपको अदर किसी मेडिकल कॉलेज में जल्दी नहीं मिलेगी, पुराने मेडिकल कॉलेज में नए में बने। आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्लासेस की ओर जा रहे हैं। क्योंकि 8 बज रहा है तो सारे बच्चे अब कॉलेज की ओर जा रहे हैं और मैं आपको शो करता हूँ अब आपको कॉलेज का एरियल व्यू। और अब मैं आपको शो कर रहा हूँ कॉलेज का एरियल व्यू छत पर से, देख सकते हो ये कॉलेज के आप लोगों का टीचिंग ब्लॉक्स है, ऑडिटोरियम देख सकते हो, ये आपका लॉन है कॉलेज कैंपस में एक, बाकी दूसरा लॉन अभी बन रहा है। और बच्चों मैं आपको कॉलेज का जो जहाँ पर बच्चे खेलते हैं प्लेइंग ग्राउंड वहाँ पर नहीं ले जा सका हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलेज का बेस्ट कैंपस, ये आप लोगों के हॉस्टल्स हो गए, गर्ल्स हॉस्टल हो जाता है, ये इंटर्न हॉस्टल एंड दिस इज बॉयज हॉस्टल्स एंड एक दो हॉस्टल्स और भी हैं। तो ये इतना बढ़िया आपको रहने के लिए आपको अदर मेडिकल कॉलेज में जल्दी आपको नहीं है।
और ये मेडिकल कॉलेज सबसे बेटर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। आपको सुरक्षा की दृष्टि आपको कॉलेज शहर के बीचों बीच में है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारी सुविधाएं, आप दिन रात कभी भी आइए, आपको बेस्ट सुरक्षा का माहौल है। कॉलेज पर गार्ड बने हुए हैं, कॉलेज पर गार्ड रहते हैं और आपको यहाँ पर, क्योंकि बहराइच शहर में ये है कि यहाँ पर ये पौधे या जंगल ज़्यादा है सिटी को अलावा छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपको पॉल्यूशन मतलब बहुत कम है, आपको फ्रेश एयर ज़्यादा मिलेगा और आप लोगों को यहाँ पर खाने के लिए मेस है जो कि आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रिशियस आपको भोजन प्रदान करते हैं वो लोग। तो बच्चों आप लोग कॉलेज के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मैं देता रहूँगा इस तरीके से, कॉलेज और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के बारे में सारे उनकी जो भी व्यवस्था है मैं आपको प्रदान करता रहूँगा। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मैं आपको अब ले चलता हूँ कॉलेज के, मैंने आपको प्रशासनिक भवन या फिर स्टडी कैंपस आपको दिखा दिया है, अब मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल कॉलेज का, हॉस्पिटल के पास में जहाँ पर आपको कॉलेज के हॉस्टल के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि 8 बजे से इनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो बच्चे 8 बजे क्लासेस चले जाते हैं। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ कॉलेज के हॉस्पिटल पोर्शन में जहाँ पर पेशेंट का ट्रीट किया जाता है और यहाँ पर इवन नेपाल तक के पेशेंट यहाँ पर आते हैं, इवन 4 से 6 जिलों के पेशेंट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको क्लिनिकल सीखने को बहुत बेस्ट यहाँ पर इन्वायरमेंट मिल सकता है। ये हमारा मेडिकल कॉलेज का जो है चिकित्सा भवन को पार्ट है जहाँ पर हॉस्पिटल पोर्शन में सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं इमरजेंसी है जहाँ पर सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, पर पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर बढ़िया से, जिससे कि लोगों को ट्रीटमेंट सुविधाएँ सबसे ज़्यादा मिल सके। बाकी ओपीडी वगैरह यहाँ पर है, अदर सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर कॉलेज के पोर्शन के लिए है। ओपीडी में सारे पोर्शन आप देख सकते हो, सुबह सुबह कितने ढेर सारे पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है तो बच्चों ये कॉलेज हमारा सबसे बेस्ट है आपको स्टडी के लिए, तो बेटर है कि ये कॉलेज आप चूज करें और आप एक सफल डॉक्टर बने। आप लोग देख सकते हैं कि इस अस्पताल में कितने ज़्यादा पेशेंट आते हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ यहाँ की गायनी बिल्डिंग जो आप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट है इस मेडिकल कॉलेज के, ये आप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर कितने ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर आते रहते हैं। ओके थैंक यू।